हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल कलर का इस तरह का निटिंग पैटर्न बनाएंगे। इसमें पत्तियां देखिए बनती जाती हैं और इसे मैंने ऐसे 27 फंदों से मैंने इसे स्टार्ट किया है 10 नंबर की सिलाई पर। और यहां पर शुरू में मैंने जैसे तीन लिए हैं, तीन और ये दो पत्तियों के बीच में तीन, ऐसे मैंने ये तीन तीन लिए हैं तो ये सात हैं इस तरह के, 21 ये हो गए मेरे फंदे और छह मेरी पत्तियां हैं, छह फंदे ये हो गए तो 27 हो गए। ये एक पत्ती एक फंदे से बनती है, एक फंदे से शुरू करके हम उसके पांच बना देते हैं और फिर से उसका एक बना देते हैं। और एंड में जहां साइड में जो हमने बनाया है, ये जैसे पूरी पत्ती है, नेक्स्ट रो में ये हाफ हाफ पत्ती दोनों तरफ आई है। इस तरफ भी ये देखिए हाफ है, इस तरफ भी ये हाफ है। जैसे जो पूरी पत्ती वाली हमारी रो है उसमें एक दो तीन चार पांच और छह है, इसी तरह ये बीच में गिनिए, एक दो तीन चार पांच हमारी पूरी है और आधी आधी दोनों तरफ तो ये छह होगी। इस तरह से मैंने इसे बनाया है। लेकिन शुरू में जैसे बीच में हम तीन उल्टे लेते हैं उसके, और साइड में भी हमारे तीन फंदे हैं, एक फंदा हमने बिना बुने उतारा है, उससे ये चेन बनती जाती है इस तरह से, और दो हमने उल्टे बुने हैं। इसी तरह एंड में भी हमने दो उल्टे बुने हैं और एक हमने बिना बुने जो उतारते हैं वो फंदा है हमारा। सीधी तरफ से ये सीधा बुना जाता है, उल्टी तरफ से हम इसे उल्टा उतार लेते हैं बिना बुने हुए। इसके लिए मैंने ये 27 फंदे डाल लिए हैं। 27 फंदे डालने के बाद अब हमने पैटर्न बनाना शुरू करना है। पहले मैंने ये एक फंदा बिना बुने उतार लिए, इसके बाद हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो। इसके बाद हमने इस तरह से बनाना है, ये जो हमारी पत्तियां हैं ये बनाएंगे हम, एक ही जगह पर हम पांच फंदे बनाएंगे। तो ये हमने कैसे बनाने हैं, एक हमने ऐसे फंदा बनाया, इस फंदे को हमने दूसरी सिलाई से नीचे नहीं उतारना अभी, फिर आगे धागा कर लिया, ये उल्टा बुना, फिर इस तरह से ये सीधा, फिर धागा आगे, फिर उल्टा, ये चार हो गए। फिर इस तरह से उसी फंदे में हमने बार बार बुनना है, तो ये पांच हमारे हो गए। अब हमने उसको छोड़ दिया फंदे का। फिर इसके बाद हम तीन उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन। फिर हमने धागा दूसरी तरफ ले लिया सीधा बुनने के लिए, ये पहला हमने फंदा इसको सीधा बुना, धागा ये हमने अभी फंदा नीचे नहीं उतारना यहां से, फिर धागा आगे उल्टा, फिर इसी को फिर से सीधा, फिर धागा आगे, फिर इसी फंदे को हमने बार बार बुनते जाना है, ये चार बार हो गया, फिर धागा उधर और ये फिर से सीधा। तो एक ही फंदे को हमने पांच बार बुना, फिर धागा आगे करके हमने तीन उल्टे डालने हैं। इसी तरह से हमने ये रो कंप्लीट करनी है। ये रो के एंड में जाकर भी मैंने उसी तरह से एक ही फंदे को पांच बार बुन लिया, फिर हमने धागा आगे करके दो यहां पर मैंने उल्टे बुने, और ये मेरी सीधी साइड है तो लास्ट फंदा मैंने सीधा बुना, उससे फिर ये साइड में चेन बनती जाती है। ये सीधी साइड है, यहां पर शुरू में बिना बुने उतारा है एक, उसके बाद दो उल्टे बुने हैं, और एंड में इसी तरह से दो उल्टे बुने हैं, उसके बाद एक सीधा मैंने बुन के उतारा है। अब ये मेरी उल्टी सिलाई है, यहां पर भी हमने पहला फंदा बिना बुने इस तरह से उतार लिया, फिर यहां पर हमने दो उल्टे बुने थे जो, ये यहां पर हम सीधे बुनेंगे, एक दो, दो हमने सीधे बुने। इसके बाद जो हमने पांच फंदे बनाए थे, उन पांच फंदों को, एक का हमने पांच बनाया था, उन पांच फंदों को हमने उल्टा बुनना है, दो तीन चार पांच, पांच बुनने के बाद हमने तीन सीधे बुनने हैं। ये तीन सीधे हमने उस तरफ से तीन उल्टे बुने थे, वही ये तीन सीधे हो गए। फिर उसी तरह से पांच उल्टे तीन सीधे, और ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड के एंड में आकर मैंने दो फिर से सीधे बुने और लास्ट फंदा मैंने उल्टा बुना।
और ये 10 नंबर की सिलाइयों पर मैंने ये पैटर्न बनाया है क्योंकि मेरी वूल ज़्यादा मोटी नहीं है। फिर हमने एक इस तरह से बिना बुने उतार लिया सीधा, दो उल्टे बुनेंगे। फिर इस सिलाई में हमने ये जब हमने एक के 5 फंदे बनाए थे, इसमें इन पांचों को हमने इसी तरह से सीधा बुनना है। इसमें हमने और कुछ भी नहीं करना, ये 5 हम सीधे बुनेंगे, 3 उल्टे बुनेंगे जिनको हमने उल्टे बुना था। इस तरह से ये 3 हमने उल्टे बुने और 5 हमने सीधे बुने। इसी तरह से हमने बनानी है 5 सीधे 3 उल्टे। ये थर्ड सिलाई के मैं एंड में हूँ, एंड में आकर मैंने 5 सीधे बुने, इसके बाद हमने ये 2 उल्टे बुने, फिर लास्ट फंदा मैंने इसी तरह से सीधा बुना। सीधी तरफ है ये तो सीधा बुना, उल्टी तरफ होगी तो ये उल्टा हम बुनेंगे। फिर जब पहला फंदा मैंने बिना बुने उतार लिया उल्टी साइड से, 2 हम सीधे बुनेंगे, फिर हम 5 उल्टे, तीन सीधे, उसी तरह से हमने बनाना है 3 सीधे 5 उल्टे, फिर 3 सीधे फिर 5 उल्टे, और एंड में जाकर हमने 2 हमारे उल्टे हैं और एंड में जाकर हमारे 3, 2 हमारे सीधे आएंगे और 1 उल्टा आएगा। ये फोर्थ सिलाई के एंड में मैंने उसी तरह से 5 हमने उल्टे बुने, फिर ये 2 सीधे और लास्ट फंदा मैंने उल्टा बुना। ये पैटर्न की 5th सिलाई है मेरी। यहां पर हमने फिर से एक सीधा उतार लिया बिना बुने, 2 हमने उल्टे बुने। अब हमने यहां पर इस तरह से ये 5 फंदे जो हमारे हैं, ये पत्ती बनी है हमारी, पहले हमने इनको घुमा लेना है, उल्टा लेना है फंदों को, एक ऐसे निकाला फिर दूसरा ऐसे निकाला, फिर इन दोनों को वापस इसी सिलाई पर ऐसे डाल कर सीधा बुन दिया, 2 का 1 बना दिया। फिर बीच वाला फंदा हमने, थर्ड फंदा हमने इस तरह से सिंपल बुन लिया। फिर जो हमारे 2 लास्ट फंदे हैं, इस पत्ती के 5 फंदे थे, फिर 2 का 1 बना दिया। तो टोटल यहां पर 5 फंदे थे जो हमने 1 से 5 बनाए थे, अब 5 के हमने 3 बना दिए। इसके बाद 1 2 3 हमने उसी तरह से उल्टे बुने। 3 उल्टे बुनने के बाद हमने फिर से देखिए, ये हमारी 1 का जो 5 बनाए थे हमने, पत्ती है हमारी, तो इसको पहले इस तरह से ले लिया, फिर इसको इस तरह से ले लिया, फिर इन दोनों को इस सिलाई पर लेके हमने 2 का 1 बना दिया। फिर हमने तीसरा फंदा सीधा बुना, फिर ये चौथा और 5वां फंदा है, इन दोनों को 1 बना दिया, तो 5 से ये हमने 3 बना दिए। इसी तरह से हमने ये सारी सिलाई बनानी है। ये लास्ट में आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये हमने वही पत्ती है जिसका 1 का 5 बनाया है। पहले हमने इस तरह से इसको ले लिया, फिर इसको भी ले लिया, अब इन दोनों फंदों का हमने 1 कर देना है। फिर ये हमारा 3rd फंदा सीधा बुना, फिर 4th और 5th को हमने इस तरह से 2 का 1 बुना दिया, फिर 2 हमने उल्टे बुने लास्ट में जाकर, और लास्ट फंदा हमने सीधा बुना। ये लास्ट फंदा सीधा बुन, सीधी तरफ से हम सीधा बुनते हैं, उल्टी तरफ से उल्टा उतार लेते हैं, तो इस तरह से ये चेन बनती जाती है। तो 6th सिलाई में मैंने पहला फंदा बिना बुने उतार लिया, इसके बाद हमने ये 2 सीधे बुने। ये सेम उसी तरह से रहेगी, 2 सीधे, 3 हमने उल्टे बुनने। अब हमारे पास ये 5 थे पहले, अब 3 रह गए हैं, तो 3 हमने उल्टे बुनने, उसी तरह से बनाने हैं, 3 सीधे 3 उल्टे, 3 सीधे 3 उल्टे। इसी तरह से ये हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। लास्ट में जाकर हमने 3 ऐसे उल्टे बुने, उसके बाद 2 सीधे
और लास्ट वाला फंदा मैंने उल्टा बुना, क्योंकि ये मेरी उल्टी तरह का। हमने पहला फंदा बिना बिने उतार लिया। अब हमने ये हमारी इस रो में हमारी ये पत्ती पूरी हो जाएगी, और ये पत्ती पूरी हो जाएगी यहाँ पर हम तीन का एक बना देंगे, जो बीच वाले ये तीन है इनका एक बना देंगे, और साथ में ये जो बीच में हमारे हमने तीन उल्टे बुने हैं इनमें से बीच वाले फंदा जो हमारा है यहाँ से हम फिर से पत्ती बनानी शुरू करेंगे। तो एक हम उल्टा बुन के इसके बाद पत्ती बनाएंगे। यही पत्ती हमने यहाँ पर शुरू में आधी बनानी है, जैसे ये हमने शुरू में आधी पत्ती बनाई है इसी तरह से हम आधी पत्ती अब शुरू में बनाएंगे। तो ये पहला मैंने फंदा ऐसे सीधा उतार लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर पत्ती बनानी है, ये हमारा एक उल्टा छोड़कर आपने ये जो पहला हमारा उल्टा फंदा है इसमें हमने पांच बनाया था, तीन बनाने हैं क्योंकि हमने हाफ पत्ती बनाने हैं। तो एक सीधा इस तरह से बुना उल्टे फंदे के ऊपर, फिर धागा आगे दो, फिर धागा दूसरी तरफ, ये तीन। तो यहां पर हमने हाफ पत्ती बना दी, फिर हमने धागा आगे करके ये दूसरा जो हमारा उल्टा फंदा था एक हमने वो बुन लिया। अब ये हमारे पास तीन है पत्ती के हमारे रह गए, जो पांच से हमने तीन बनाए थे, अब तीन का हमने एक बनाना है। तो तीन का हमने पहले इसको ऐसे उतार लिया ना हमने बिना बुने, फिर हमने ये दो का एक बनाना है, और ये हमने जो बिना बुने उतारा था फंदा उसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देना है। तो ये हमारी पत्ती की शेप बन जाएगी। फिर धागा आगे, ये हमारे तीन उल्टे फंदे हैं, इसमें से हमने पहला बिना ऐसे बुन लिया उल्टा फंदा, धागा दूसरी तरफ, और जो बीच वाला फंदा है यहीं से हमारा दूसरा शुरू हो जाएगी पत्ती बननी। इसका हमने पांच बना देने हैं, एक धागा आगे उल्टा, धागा आगे दूसरी तरफ ले जाना है, हमने ये फंदा यहां से उतारना नहीं है। ये तीसरा हो गया, फिर धागा आगे, फोर्थ धागा उधर, ये पांच। तो एक ही फंदे के हमने पांच बना दिए, जो बीच वाला हमारा उल्टा फंदा था उसके हमने पांच बना दिए। फिर हमने उसको उतार दिया फंदे को, और हमारा जो उल्टा फंदा था वो बुन लिया। और फिर से पत्ती आ गई हमारी, इसके हम तीन का एक बनाएंगे। पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लिया, फिर हमने दो का एक बना दिया, और जो हमारा तीसरा फंदा था बिना बुने उतारा उसको इसके ऊपर से इस तरह से निकाल दिया। तो ये तीन का एक बन गया। फिर धागा आगे, ये हमारे तीन उल्टे हैं, पहला उल्टा हमने बुन लिया, दूसरा जो उल्टा हमारा फंदा है उसके हमने उसी तरह से पांच बनाने हैं। जिस रो में हमारी पत्ती ये कंप्लीट होनी है उसी रो में हमने ये नई पत्ती बनानी शुरू कर देनी है, जैसे यहां पर हमने शुरू कर दी। ये उल्टा हमने फंदा बुना, फिर हमारा हमने धागा उस दूसरी तरफ ले गए, तो बीच वाला जो हमारा उल्टा फंदा है उससे हमने अब फिर से पांच बनाने हैं। पहला ऐसे सीधा बुना, फिर उल्टा बुना, उसी फंदे को हमने बुनते जाना है पांच बार, सेम फंदा पांच बार बुन लिया। फिर हमने ये उल्टा फंदा बनाया, फिर हमने ये पत्ती बनानी है, तीन का एक बनाना है। पहले हमने ये उतार लिया, फिर हमने ये दो का एक बनाया, इसको इसके ऊपर से निकाल दिया, दो उल्टे बुनेंगे और एक सीधा लास्ट वाला। यहां पर हमने दो एंड में उल्टे नहीं बनाने, ये लास्ट वाला जो हमारा फंदा है इस पे हमने हाफ पत्ती बनानी है, जो सेकंड लास्ट हमारा उल्टा फंदा था। पहले हमने सीधा बुना, इसको उल्टा बुना, फिर से सीधा, तीन बार यहां पर हमने स्टिच बनाए। पहले हमने यहां पर एक से पांच बनाए हैं, एंड में हमने तीन बनाए हैं ताकि हमारी पत्ती हाफ पत्ती वहां पर बने दोनों तरफ। अब यहां पर ये हाफ पत्ती बन जाएगी तीन बनाने से, और यहां पर शुरू में भी। ये पहला फंदा हमने उल्टी साइड से बिना बुने उतार लिया। इसके बाद ये फंदा जो हमने तीन का एक का हमने तीन बनाया है हाफ पत्ती, इन तीनों का हमने उल्टा बुनना है। जहां पर हमने एक का पांच बनाया है या एक का तीन बनाया है उनको हमने उल्टे बुनना होता है उल्टी साइड से। फिर
फिर हमने ये देखिए, अब यहां पर हमने इन तीनों को सीधा बुनना है। एक हमारा ये सीधा था, इधर से भी सीधा है, ये हमारा उल्टा फंदा था जो हमने पीछे तीन का एक किया था। ये जो हमारी पत्ती है तीन का एक है, इसको अब हमने सीधा बुनना है क्योंकि यहां से हमारा पैटर्न शुरू हो रहा है। फिर से एक हमने सीधा बुना, ये दो सीधा और तीन सीधा, दूसरी तरफ से यही तीन उल्टे बुने जाएंगे। और ये हमारा एक का जो हमने पांच बनाए हैं तो ये पांच उल्टे बुने जाएंगे। पांच उल्टे, फिर से हमने ये तीन सीधे बुनने हैं, एक दो तीन, पांच उल्टे, फिर तीन सीधे, यहां पर हम तीन सीधे बुनेंगे, पांच उल्टे बुनेंगे, इसी तरह हम रो कंप्लीट करेंगे। और एंड में हमने तीन बनाए थे पत्ती के, हाफ पत्ती बनाई थी, तो यहां पर हमने तीन उल्टे बुनने हैं, पांच नहीं बुनने। तीन उल्टे बुने मैंने और एक, ये उल्टी साइड है मेरी, उल्टी साइड है तो उल्टा ही बुनेंगे हम लास्ट फंदा। अब यहां पर हमने पहला फंदा इस तरह से सीधा बिना बुने उतार लिया, फिर हमने इनको से तीन हमारे पत्ती के फंदे हैं, हाफ पत्ती है जो हमारी, तो पत्ती के फंदे हमेशा सीधी तरफ से सीधे बुने जाएंगे। तीन हमने सीधे बुन लिए, इसके बाद हमने तीन उल्टे बुनने हैं, दो तीन, फिर पांच सीधे, तीन उल्टे, इसी तरह से बुनेंगे। लास्ट में आकर हमने तीन हाफ पत्ती है जो हमारी, उसके तीन सीधे बुने, और ये सीधी साइड है तो लास्ट फंदा हमने सीधा बुनना। देखिए इस तरह से फिर ये चेन बुनती बनती जाती है। तो उल्टी साइड है, उल्टी साइड पे हमने पहला फंदा बिना बुने उतार लिया, फिर हमने जो तीन हमारे पत्ती के थे, हाफ पत्ती बनाई है हमने शुरू में, तीन उसके उल्टे बुन लिए, फिर ये तीन सीधे, पांच उल्टे तीन सीधे, इसी तरह से हम बनाएंगे पांच उल्टे तीन सीधे। ये लास्ट में जाकर मैंने तीन इस तरह से उल्टे बुने जो हमारी हाफ पत्ती के हैं, और एक जो हमारा लास्ट फंदा है उसको भी उल्टा बुना। अब हमने जैसे यहां पर बनाया था हमने, अब तो हमने पांच से तीन बनाने हैं। पहला फंदा हमने बिना बुने उतार लिया, इसको हमने बिना बुने उतार लिया, फिर हमने ये बीच वाला नेक्स्ट फंदा ऐसे सीधा बुना, यहां पर हमने दो का एक बनाया इस तरह से, फिर हमने ये धागा आगे करके तीन उल्टे बुने फंदे जो हमारे उल्टे फंदे थे। अब हमने यहां पर पांच का तीन बनाने हैं, पांच से पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, दूसरा फंदा भी ऐसे उतार लिया, फिर ऐसे इसको सीधा बुन लिया। तो यहां पर जैसे ये है हमारे तीन फंदे बचे हैं, तो यही हमारी शुरू में इस तरह पत्ती बनी थी शुरू में। ये पहला फंदा हम छोड़ देंगे जो हम बिना बुने उतारते हैं, तो यहां पर हमने तीन का दो बनाया है, यही चीज है, ये तीन का हमने दो बनाया है, तो पहला फंदा यहां पर भी हम बुन लेते हैं बीच वाला फंदा, और लास्ट वाले दो का एक बनाते हैं हम, यही हमने शुरू में किया है। ये वाला फंदा हमने इसी तरह बुन लिया सेकंड वाला, और थर्ड और फोर्थ को हमने एक बना दिया। फिर हमने तीन बिना बुने उतारने उल्टे बुनने हैं, फिर हम इसको ऐसे उतार लेंगे, इसको भी उतार लेंगे, इन दोनों का हम एक बना देंगे, फिर थर्ड भी बुन लिया, फिर फोर्थ और फिफ्थ का एक बना देंगे, फिर धागा आगे, तो यहां पर हमारे पांच के तीन बन गए, ऐसे ऐसे, दो का एक, थर्ड बुन लिया, फोर्थ फिफ्थ को फिर से इकट्ठा कर दिया, फिर तीन उल्टे बुनेंगे।
शुरू में हमारी पत्ती की शेप, ये जो हमारी शेप है यहाँ पर, ये शेप है तो इस तरह से हमने बनानी है। एंड में जाकर हमारी पत्ती की शेप इस तरह से जाएगी, जैसे हमारी ये साइड है इस तरह से, तो हमने उसी तरह से बनानी है। यहाँ पर हमने इस तरह से ये दोनों फंदे ऐसे उतार लिया, इन दोनों को एक बना दिया, फिर हमने अगला बुन लिया थर्ड वाला, और लास्ट फंदा हमने सीधा बुनना है। यहाँ पर हमने एक फंदा बस बिना बुने उतार लिया, इसके बाद हमने ये तीन फंदे थे इनके दो बना दिए हमने तीन से, तो दो उल्टे बुन लिए, फिर एक सीधा, दो सीधा, तीन सीधे, तीन सीधे, तीन उल्टे, तीन सीधे, तीन उल्टे, इस सिलाई में ऐसे आएगा। लास्ट के हमने तीन फंदे ऐसे उल्टे बुन लिए। अब पहला फंदा हमने बिना बुने उतार लिया, इसके बाद हमने ये दो का एक बनाना है। पहले हमने तीन से दो बनाए थे, अब दो का एक बनाना है। एक फंदा उल्टा बुना, जो हमारे तीन उल्टे फंदे हैं उनमें से एक उल्टा बुना, फिर धागा उधर दूसरी तरफ ले गए हम। यहीं से यहां पर हमारी ये पत्ती फिनिश हो जाएगी, एक बन जाएगा तीन से, यहां पर तीन का एक बन जाएगा, और जब तीन का एक बनेगा उसे हमने रो में फिर से नई पत्ती स्टार्ट कर देनी है। यहां पर हमने ये बीच वाला जो उल्टा फंदा था हमारा, उसके हमने पांच बना देने हैं जैसे हमने पहले बनाए हैं, और फिर से हमारा पैटर्न शुरू हो गया है। तीसरी बार हमारा पैटर्न शुरू हो गया है, पांच बन गए, फिर धागा आगे ले जाकर एक बार उल्टा बनाया, फिर हमने ऐसे इसको बिना बुने उतार लिया, फिर दो का एक बनाया, जो हमारी पत्ती है जो हमने बिना बुने उतारा था उसको इनके ऊपर से निकाल दिया। फिर हमारे तीन फंदे हैं, तीन फंदों में से एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और बीच वाले फंदे के फिर से पांच बना देंगे, धागा आगे, इसी तरह से हम रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट में जो हमारी हाफ पत्ती के दो फंदे हैं इनको हमने उसी तरह से करना है जैसे बाकी बुना है। पहले हमने ऐसे बिना बुने उतार लिया, फिर हमने इसको ऐसे बुना, इसके ऊपर से ये वाला फंदा निकाल दिया, तो ये हमारी हाफ पत्ती इस तरह से फिर बन जाएगी। इस तरह से ये देखिए यहां से बन गई हाफ पत्ती हमारी, यहां से भी बन गई। यहां पर एक दो तीन चार पांच छह थे, तो यहां पर एक दो तीन चार पांच पूरी आई हमारी, हाफ इधर हाफ इधर, तो ये छह होगी। फिर से इसी तरह से हमने पैटर्न कंटिन्यू करते जाना है। फिर से हम उसी तरह से बुनेंगे, एक फंदा हम उतार लेंगे बिना बुने उल्टी तरफ से उल्टा। अब हमने ये हमारा उल्टा फंदा है और ये सीधा है, इन दोनों को हमने सीधे बना देना है। ये पांच जो हमने बुने थे, एक का पांच बनाया था, उनको हमने पांच उल्टे बुनना है। फिर ये जो हमारे एक सीधा एक उल्टा, ये उल्टा वो है जहां हमने तीन का एक किया था, ये वो वाला फंदा है। अब हमने इसको सीधा बुनेंगे, इसको और बीच वाला जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसको हमने सीधा कर देना है। इस रो में तीन सीधे, तीन सीधे, पांच उल्टे आएंगे, तीन सीधे, पांच उल्टे आएंगे। जब हम पांच का एक बनाते हैं, एक से हम पांच फंदे बनाते हैं जब, तो उसकी नेक्स्ट रो जो उल्टी होती है उसे हमने ध्यान से बनाना होता है, उसमें हमारे फंदे चेंज होते हैं। उसी में हमने ये जो अभी बनाई है उसी के हमने जो जो बीच वाला फंदा उल्टा होता है उसको हमने इस रो में सीधा करना होता है। यहां पर ये फिर तीन सीधे हो जाते हैं। यहां पर हमने जैसे ये है, यहां पर दो सीधे बुनेंगे लास्ट में, और लास्ट फंदा हमारा उल्टा। इस तरह से फिर से शुरू हो गया, जैसे यहां पर हमने दो सीधे बुने थे, यहां पर भी ये दो सीधे आ गया एंड में जाकर, ये हमारे दो सीधे बन गए। यही वाली चीज यहां पर आ गई है। इसी तरह से फिर आप पैटर्न बना लें, फिर से उसी तरह से शुरू होगा जैसे हमने शुरू में किया था। एक हमने बिना बुने उतारा, दो उल्टे, तो ये वही आ गया, एक हमने बिना बुने उतारा, दो उल्टे, इसके बाद पांच सीधे। तो आप ऐसे
बना सकते हैं ये पैटर्न। जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन या बच्चों के स्वेटर पे ये बहुत ही अच्छा लगता है। उल्टी साइड से ये इस तरह से आया है। अगर आप इसे इसी तरह से बनाते हैं जैसे मैंने बनाया है, एक बार हमारी पूरी पत्ती बनती है, एक बार हमारी आधी पत्ती बनती है, फिर पूरी, फिर आधी। अगर आप इसी तरह से बनाते हैं, दोनों तरफ से मेरा इसी तरह से आया है, तो फिर आप चार के हिसाब से फंदे इसमें बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने अपने फंदे बढ़ाने हैं तो एक पत्ती, अगर आप चार फंदे बनाएंगे और, तो एक पत्ती आपकी और बन जाएगी। अगर आप आठ बनाएंगे तो दो पत्तियां और बन जाएंगी। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।